बहुत जल्द उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने जा रहा है और निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम करियर में ये जानने के लिए कि यहाँ के प्रत्याशी उनके मन में क्या चल रहा है, किस सोच को लेकर, किस समस्या को लेकर चुनावी मैदान में उतरे। आइए उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ हैं इमरान मन्ना जी, वो बताएं क्या सोच है और किस सोच को लेकर चुनावी मैदान में उतरे। मेरी जो सोच है, मेरी जो विकास की सोच है, विकास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और विकास का मामला सबसे नंबर एक के बाद हमारे यहाँ ये पुल की बड़ी समस्या है। पुल को लेकर, हाँ पुल के लेकर, ये तो खैर ये मेरे ख्याल से ये हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है जी उसके अंदर में है, लेकिन अगर यहाँ कोई बढ़िया एक नेता होता है मंत्री लेवल पर चले जाता, सांसद लेवल पर चले जाता, लेकिन कोई हमारे यहाँ ऐसा नेता नहीं है जो इसके खिलाफ कोई संघर्ष करे। अगर कोई ऐसा नेता होता तो शायद ये बन सकता है। इसके लिए बड़ी दिक्कत है तो पार्टी साहब लड़ रहे हैं जी। पार्टी में आप पहली भी पार्टी की सभा रहे चुके हैं, पहली बार या फिर पार्टी में? बसपा में तो पहले एक बार आया हूँ, थोड़ा बहुत मैं कांग्रेस में रहा हूँ। अच्छी बसपा में पहली बार आया हूँ, बसपा में रहूँगा, फिर हम लड़ूँ ना लड़ूँ कोई अगर मेरे सामने कुछ मैं सही शायद तो चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैं 90% 95% मान के चुनाव लड़ूँगा जी। ठीक है, इस टाइम कोई भी नहीं बचता कि करियर के अंदर, करियर के अंदर पाँच साफ जगह है, जगह है यहाँ पर तो वर्ल्ड के लोग यहाँ लगाते हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर वर्ल्ड के लोग भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हजारों समस्याएं दिखाई देती हैं आज भी यहाँ। हजारों समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भी उर्फ कलता है और यहाँ इतनी गंदगी फैल जाती है, लैट्रिन बाथरूम भी है और कहते हैं कि बस शौचालय बनाओ ये करो वो, कहीं भी नहीं है गवर्नमेंट ने शौचालय दिए, थोड़ा बहुत पता नहीं किस तरह का मामला है वो जी। बहुत छोटा सा वैसे टेम्परेरी जी, नहीं तो सबसे पहले तो हमारे तरह क्षेत्र में शौचालय जरूरत है और बहुत हाई लेवल की जरूरत है शौचालय की। नहीं मतलब एक दरगाह होने की बात है, दरगाह है और आप कह रहे हैं कि आप कोई सुविधा नहीं, सुविधा वही करानी चाहिए लोगों को, सबसे पहले हो जानी चाहिए क्योंकि गंदगी को लेकर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बस यहाँ के सिर में क्या है, पहले जो प्रधान वगैरह रहे उन्होंने कुछ इस तरफ ध्यान नहीं दिया जी, नहीं तो प्रधान तो काफी नहीं ध्यान देता, गांव के प्रधान है, गांव तो कलियर शरीफ है तो कलियर शरीफ में आती है दरगाह।